और नई सीरीज की शुरुआत है, तो आने वाली सीरीज का जो एक्शन है, किन इवेंट्स पर आपको रखनी है नजर, कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दिशा पर इंपैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, ये सीरीज तो आईपीओ वाली होगी, कई सारे आईपीओ खुलने वाले हैं और लिस्टिंग भी होती हुई दिखेगी। शुरुआत मैं कर रही हूं 4 अगस्त से। इस दिन 3 आईपीओ खुलने जा रहे हैं। विंडग्लास बायोटेक का आईपीओ खुलेगा, प्राइस बैंड 448 to 460 पर शेयर। एक्सारो टाइल्स का आईपीओ खुलेगा और दिव्यानी इंटरनेशनल का 440 करोड़ का आईपीओ भी इस दिन खुलने जा रहा है। इसके अलावा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक इस दिन शुरू होगी। टाटा मोटर्स 4 अगस्त को नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, तो इस पर भी नजर है। 6 अगस्त इवेंट स्पेसिफिक इवेंट हैवी दिन है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी आती हुई दिखेगी, ब्याज दरों पर फैसला आएगा। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की लिस्टिंग होने की संभावना है। अलकार्गो लॉजिस्टिक्स वॉलेंट्री डीलिस्टिंग पर बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। वहीं विंडग्लास बायोटेक का आईपीओ इस दिन बंद हो जाएगा, एक्सारो टाइल्स का आईपीओ बंद होगा और दिव्यानी इंटरनेशनल का भी आईपीओ बंद हो जाएगा। एलआईसी पर फोकस रखेगा क्योंकि एलआईसी आईपीओ के लीगल एडवाइजर के लिए आवेदन सौंपने की आखिरी तारीख होगी, तो आईपीओ को लेकर एक और स्टेप आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 7 अगस्त आईआरसीटीसी पर फोकस रखना होगा। लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस 7 अगस्त से चालू होने जा रही है। 9 अगस्त सिंगापुर और जापान के बाजार बंद हो गए और इस दिन रोलेक्स रिंग्स की लिस्टिंग होने की संभावना है। 12 अगस्त जून आईआईपी, जुलाई सीपीआई के डेटा आएंगे। 13 अगस्त संसद का मॉनसून सत्र खत्म होगा, तो 16 अगस्त को जुलाई डब्ल्यूपीआई के आंकड़े आएंगे और इस दिन दिव्यानी इंटरनेशनल की लिस्टिंग होने की संभावना है। 17 अगस्त विंडग्लास बायोटेक एक्सारो टाइल्स दोनों ही आईपीओज की लिस्टिंग होने की संभावना है और इसी दिन आरआईएनएल के स्ट्रैटेजिक सेल के लिए बिड करने की आखिरी तारीख होगी। 19 अगस्त के दिन मोहर्रम के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे और 26 अगस्त अगस्त सीरीज की एक्सपायरी इस दिन होती हुई दिखेगी। बिल्कुल, तो एक और मिड मंथ हॉलिडे आपको मिलने वाली है 19 अगस्त को, बट ढेरों ट्रिगर्स हैं। ऑफ कोर्स आरबीआई पॉलिसी पर भी हमें रखनी है नजर, किस तरह से वहां पर एक्शन आपको बनते हुए दिखे।